सभी का स्वागत है दोस्तों। जो आज का अपना टॉपिक है वो है घनवाद के बचे हुए आर्टिस्ट। जो अपने पिछले वीडियो में जो बच गए थे वो आर्टिस्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे और घनवाद का पूरा टॉपिक अपन क्लियर कर लेंगे। और मैं दोस्तों उम्मीद करूंगा कि जो इस वीडियो में हमको समझाऊंगा उससे बाहर आपके एग्जाम की दृष्टि से कोई ज्यादा बाहर आएगा नहीं, और जो इम्पोर्टेंट ब्राक से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे, और बाकी जो बटे हुए आर्टिस्ट को भी अपन पूरी तरह से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जॉर्ज ब्राक की, दोस्तों जो ये घनवाद के दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे, फर्स्ट नंबर पे कौन से आते हैं अपने, पाब्लो पिकासो, जिसको पिछले वीडियो में हमने पूरी तरह से अच्छे से कवर किया था। आज बात करते हैं अपन जॉर्ज ब्राक के बारे में। सबसे पहले तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनका जन्म कब हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 1882 में पेरिस में इनका जन्म हुआ था। सबसे पहला पॉइंट यही है, आपको इनका जन्म याद रखना है और कब हुआ था, कहां पे हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। इनका जो प्रथम घनवादी चित्र है वो है विवस्त्र आकृतियां, ठीक है। जो विवस्त्र आकृति है ये इनका प्रथम घनवादी चित्र है, जो इन्होंने 1908 में बनाया था। पिकासो ने 1907 में बनाया था प्रथम अपना घनवादी चित्र। लेकिन जो ब्राक का प्रथम घनवादी चित्र अगर आ जाए तो इनका घनवादी चित्र कौन सा है, विवस्त्र आकृतियां है, जो उन्होंने 1908 में बनाया था, ठीक है। कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, ब्राक को ही जाता है। जो कलाकृतियां थी उनमें जो कोलाज पद्धति का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, ब्राक को ही जाता है। इनके वस्तु चित्रों में जो वस्तु चित्र बनाते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे अपनी पेंटिंग्स में, इनमें इनके क्या क्या थे, तो वाघ यंत्र, समाचार पत्र, भोजन ग्रह आदि आकृतियां इनके वस्तु चित्रों का हिस्सा थी, सब्जेक्ट था, विषय था, ठीक है। 1922 में इन्होंने कोनेफोरस है एक जो ऋतुओं का देवता है, उनके ऊपर इन्होंने क्या एक सीरीज बनाई, चित्र मालिका बनाई थी 1922 में, ठीक है। और 1936 में ब्राक ने वस्तु चित्रों के साथ मनुष्य आकृतियों को अनेक रहस्यपूर्ण ढंग से चित्रित करना आरंभ किया था। 1936 के बाद जो इन्होंने चित्र बनाए थे उन्होंने क्या क्या था, जो अपने जो वस्तु चित्र बनाते थे उनके साथ मनुष्य आकृतियों को भी चित्रित करना आरंभ किया था। और इस प्रकार के चित्रों कौन कौन से, उनका एक तो द्वंद्ववाद गान है, द्वंद्व गान, ठीक है, मेडोलिनी वादक, ये एक इम्पोर्टेंट चित्र है, और एक ताश का खेल, ये इनके तीन इम्पोर्टेंट चित्र है। ये आपको बहुत याद रखने हैं क्योंकि ये आर्टिस्ट से रिलेटेड जो पेंटिंग से वो जरूर जरूर आती है। तो इनके जो तीन इम्पोर्टेंट चित्र है ये द्वंद्वगान और मेडोलिनी वादक और ताश का खेल, ये इनके प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। इसके अलावा 1920 में बनाई खड़ी महिला शिल्प, जो इन्होंने मूर्ति बनाई थी खड़ी महिला, इस पर घनवाद का प्रभाव है, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें अपन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि 1937 में इन्हें कान्हाजी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। 1937 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, कान्हाजी पुरस्कार मिला था। 1948 में इन्हें वेनिस द्विवार्षिक का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनके बारे में कुछ उपलब्धियां है वो हमें याद रखनी है। सेकंड क्या है, 1948 में इन्हें वेनिस द्विवार्षिक का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। 1956 में ऑक्सफोर्ड जो विश्वविद्यालय था उन्होंने इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी थी। 1956 में क्या दिए थे, डॉक्टर की उपाधि दी थी, किसने, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ठीक है। 1963 में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। और इनके बारे में कुछ अगर इम्पोर्टेंट चित्र है, देखो दोस्तों जो घनवाद का नाम किसे पड़ा था, इन्हीं के चित्रों के ऊपर घनवाद का नाम पड़ा था। क्या हुआ था कि 1906 में इन्होंने अपने चित्रों को जो एक संस्था थी जो इसका कुछ नाम था उसमें इन्होंने अपने 6 चित्र प्रदर्शित किए थे, ठीक है। उनमें से इनके 5 चित्र क्या हो गए थे, अस्वीकृत हो गए थे। फिर इन्होंने अपने पर्सनली प्रदर्शनी की थी उसमें इन्होंने ये अपने चित्र प्रदर्शित किए, जो वेलास के थे, जो एक है ना ये वेलास के ने क्या हुआ, इनके चित्रों को देखकर आलोचना की और इनके चित्रों को क्या ना घनवाद नाम दिया था। जब से ही जो इस वाद का नाम क्या पड़ा था, घनवाद नाम पड़ा था, ठीक है। ब्राक के चित्रों में काव्यात्मक सौंदर्य का हमें दर्शन होता है। किस चित्रकार के चित्रों में काव्यात्मक सौंदर्य का दर्शन होता है, तो ब्राक के चित्रों में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इनका अपनों को याद रखनी है वो ये है, पहला इनका प्रथम घनवादी चित्र कौन सा था, विवस्त्र आकृति, जो उन्होंने 1908 में बनाया था, ठीक है। कलाकृति में कोलाज का प्रयोग करने का श्रेय किसको जाता है, तो ब्राक को जाता है, ठीक है। इनके वस्तु चित्रों में वाद्य यंत्र, समाचार पत्र और भोजन ग्रह ये देखने को मिलते हैं। इन्होंने किसके ऊपर चित्रमालिका बनाई थी, कोनेफोरस के ऊपर, ठीक है, 1922 में बनाई थी। और इनके जो प्रमुख चित्रों में कौन कौन से आते थे, मेडोलिनी वादक, द्वंद्व गान और ताश का खेल, इनके बहुत प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं। और एक खड़ी महिला जो उन्होंने 1920 में चित्र बनाई थी। इन्हें डॉक्टर की उपाधि कब मिली थी, 1956 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी थी, ठीक है। 1948 में इन्हें वेनिस द्विवार्षिक का सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ, और 1936 में इन्हें कान्हाजी पुरस्कार प्राप्त हुआ, और 1963 में इस महान जो आर्टिस्ट था इसका देहांत हो गया था। अब अपन पढ़ लेते हैं जो बाकी बचे हुए दो आर्टिस्ट थे, बहुत शॉर्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है,
तो उनके बारे में अपन कवर कर लेते हैं। तो अपन तीसरे और चौथे जो आर्टिस्ट है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे फर्नांडिस जी के बारे में, जो इनका जन्म हुआ था 1881 में हुआ था, ठीक है। दूसरा, इन्हें घनवाद की बजाय नलीवादी, जो क्यूबिज्म है, नलीवादी चित्रकार कहा जाता है, ठीक है। तो नलीवादी चित्रकार किसे कहा जाता है, तो फर्नांडिस कहा जाता है। और इनके 1910 में इनका बनाया चित्र था जंगल में विवस्त्र मानव, 1910 में बनाया था। और 1913 में इनका बनाया चित्र आकृतियों का विरोध प्रमुख है। और इनके अलावा इनके चित्रों में जो वृक्ष के तने बनते थे वो पाइप जैसे बनाए जाते थे, और फूल लोहे की पत्तियां जैसे, और बादल धातु के गोले जैसे दिखाई देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इनके चित्रों में वृक्षों के तने पाइप जैसे, फूल लोहे की पत्तियां जैसी, और बादल थे जो धातु के गोले जैसे दिखाई देते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि सभा भवन में इन्होंने एक विशाल भित्ति चित्र बनाया था जो वस्तु निरपेक्ष था। याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सभा में किसने चित्र बनाया था, फर्नांडिस चित्रकार ने चित्र बनाया था, ठीक है। इसके अलावा 1923 में बनाया चित्र यंत्रों का समूह नृत्य, इनका एक प्रमुख है यंत्रों का समूह नृत्य, इन्होंने 1923 में बनाया था, एक चित्रपट था जो 1923 में इन्होंने क्या क्या था बनाया था। साइकिल सवार, कसरत करने वाले आदि इनके प्रसिद्ध चित्र बने रहते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हमें जरूर याद रखने हैं। इतने ही है, अगर इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट आप याद रखोगे तो अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं होनग्रीस। जो होनग्रीस थे वो एक तरीके से सारे घनवादी चित्रकारों में सबसे जो एक कट्टर घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने अंत तक घनवाद को अपना एक प्रभाव रहता है इनके चित्रों में, और इन्हें देखो सबसे कट्टर घनवादी कलाकारों माने जाते हैं। इन्होंने जितने भी चित्र बनाए थे वो तर्कनिष्ठ पर आधारित होकर बनाए थे, बुद्धिवाद पर आधारित होकर इन्होंने चित्र बनाए थे, जिसके कारण इनको बौद्धिक सिद्धांतों का व्यापारी तथा गणितीय कलाकार भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी उपाधि एक तरह से प्रसिद्धि मिली हुई थी। फर्स्ट तो थे बौद्धिक सिद्धांतों का व्यापारी तथा गणितीय कलाकार, किसे कहा जाता है, किस घनवादी चित्रकार को कहा जाता है, तो होनग्रीस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। इन्होंने संश्लेषणात्मक घनवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया था। जो घनवाद की दो मैंने बताए थे कि आपको सिद्धांत बन गए थे, एक इनमें था संश्लेषणात्मक घनवाद, जो 1925 में जो पिकासो ने इसमें अंतिम चित्र बनाकर इसको भी खत्म कर दिया पूरी तरीके से। तो अपना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कौन से घनवादी कलाकार को नलीवादी चित्रकार कहा जाता है, तो वो है फर्नांडिस, ठीक है। और फर्नांडिस के बारे में एक ही चीज याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में इन्होंने भित्ति चित्र बनाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यंत्रों का समूह नृत्य इनका एक अन्य प्रसिद्ध चित्र है। और होनग्रीस सबसे कट्टर घनवादी चित्रकार माने जाते हैं। इन्होंने सब जो जितने भी चित्र बनाए थे वो बुद्धि पर आधारित होकर, तर्कनिष्ठ आधारित होकर इन्होंने चित्र बनाए थे, और इसके कारण इनको गणितीय कलाकार और बौद्धिक सिद्धांतों का व्यापारी कहा जाता है। और इन्होंने संश्लेषणात्मक घनवाद को चरम सीमा तक पहुंचाया था। एक चीज और दोस्तों, जो आपको अगर इनके बारे में टाइम पीरियड जरूर याद रखना है कौन सा आर्टिस्ट पहले था, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन बनते थे वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बनते हैं। आप एक काम करना, किसी भी वाद से रिलेटेड आर्टिस्ट को कनेक्ट करके अगर टाइम पीरियड से क्वेश्चन आता है तो आपको वाद और उसके आर्टिस्ट के बारे में जरूर याद होना चाहिए। ये चीज तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसके अंदर अपन जितने भी जो वाद से रिलेटेड है उनके आर्टिस्टों का सेपरेट, उनके वाद के अकॉर्डिंग उनको अपन डिवाइड कर देंगे, जिससे क्या है कि आपका टाइम पीरियड को लेकर भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सभी आर्टिस्ट है, इनके बारे में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, तो यही सब कुछ आने वाला है। तो दोस्तों, अगर चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे जो हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हम और भी जो बाकी टॉपिक जो बचे हुए हैं वो भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।